देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो राष्ट्रीय लोक दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष खालिद मसूद ने प्रदेश कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने योगी सरकार को किसानों के मुद्दे पर जमकर घेरा। वहीं खालिद मसूद ने कहा कि आगामी आम चुनाव में देश को एक नया विकल्प मिलने वाला है। इस दौरान और उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की आज अपने प्रदेश कार्यालय पर एक बैठक की और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष खालिद मसूद जी। खालिद मसूद जी, ये बताइए कि आज आपने बैठक की, तमाम लोगों को बुलाया, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो क्या कुछ मोटिव था, क्या कुछ पर्पज़ था इस बैठक के लिए? देखिए, मोटिव ये था, अभी हमारा संगठन में हमने अपना रिशफलिंग करी है, कुछ नए पदाधिकारी आए हैं, कुछ पुरानों को एडजस्ट कराया, तो आज हमने अपने पदाधिकारियों की, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की प्रदेश को बुला के मीटिंग करी थी और निकाय चुनाव के सिलसिले में डिस्कशन हुआ, 2024 के चुनाव की तैयारी। तो हम अपने संगठन को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं, उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं और हम कह रहे हैं जाओ बूथ कमेटी बने, जाइए जनता के बीच में जाके जनता की लड़ाई लड़िए। इसी सिलसिले में हमने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी। आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, निकाय चुनाव भी आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आरएलडी किस प्रकार से अपनी जो है वो योजनाओं के साथ आगे बढ़ेगी ताकि लोकसभा चुनाव में या निकाय चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अर्जित कर सके? देखिए, हमारा समाजवादी के साथ गठबंधन है और गठबंधन जब होता है तो उसके अंदर जो है सब मिलजुल के आपस में अंडरस्टैंडिंग से जो हम लोग काम करेंगे और प्रदेश के अंदर 2024 का चुनाव हो चाहे निकाय का चुनाव हो, हमारा गठबंधन समाजवादी से है, आगे भी रहेगा और हम मिलकर इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश विकल्प देंगे हम। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो रामनवमी पे जो है रामचरितमानस के पाठ कराने की बात कर रही है, बाकायदा दुर्गा सप्तशती की पाठ कराने की बात कर रही है और प्रत्येक जनपद को 1-1 लाख रुपये डोनेट भी किए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? देखिए, दुर्गा पाठ कराना, रामनवमी का पाठ कराना, कोई भी काम कराना वो अच्छा काम है, लेकिन उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। कोई भी धार्मिक काम है और जैसे ये दुर्गा पाठ करा रहे हैं, रामनवमी का पाठ करा रहे हैं, इसी तरीके से इस प्रदेश के अंदर गुरु तेज बहादुर का जन्मदिन है, गुरु नानक का जन्मदिन है, मुसलमानों का ईद उल फितर है, ईद उल अजहा, सबको मनाने का काम करें। और 1 लाख का बजट तो बहुत कम है, आजकल 1 लाख में क्या हो रहा है, इसका जो है अच्छे काम करें, इसका मिसयूज ना करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको भी राजनीतिक तौर पे इसको यूज़ करना चाहती है, उनका ये मकसद नहीं है कि ये एक धार्मिक काम हो रहा, उनका मकसद ये है इसके ज़रिए से बहुसंख्यक समाज को, समाज के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना चाहती है, जो आज उनके विरोध में खड़ा है, जो पहले इस देश की जनता का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, वो मुद्दा उस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे और ये बहका के उस करके इसको धार्मिक यूज़ करना चाहते हैं, बाकी इनका कोई मकसद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार पसमंदा सम्मेलन कर रही है, लगातार पसमंदा समाज को अपनी तरफ खींच रही है और वहीं ये आरोप लगा रही है कि पसमंदा समाज जो है वो मुस्लिम समाज से बिखरता हुआ चला जा रहा है, अपनी तरफ खींच रही है। देखिए, मुसलमान में कोई पसमानदा समाज और वो कहीं नहीं है, मुसलमान एक है, कोई नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी पसमानदा सिर्फ मुसलमान में थोड़ी है, पसमानदा तो सिखों में भी है, पसमानदा तो क्रिश्चियन में भी है, पसमानदा तो जैनी में भी है, तो सब पसमानदा को इकट्ठा करने का काम करें। वो सिर्फ बंटवारा करके वोट हासिल करना चाहती है। देश की जनता, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो किसान हो, सब समझ चुका है इनका काम सिर्फ ये है बांटो और राज करो, उसी पर काम करना चाहता है। इस देश का अल्पसंख्यक, खासतौर से मुसलमान, इस बहकावे में नहीं आएगा और 24 के चुनाव में एक जगह इकट्ठा होकर इनको वोट देकर हराने का काम करेगा कि वो युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ सब मिलके इस देश का हर नागरिक जो है वो देश से मोहब्बत करता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, और इनकी महंगाई और इनकी बेरोजगारी के खिलाफ खड़ा होगा और देखिए 24 में बदलाव आएगा। आपने छात्रों की बात कही, 69,000 शिक्षक आरक्षण भर्ती का मामला था, इस पे जो है उन अभ्यर्थियों को विपक्ष का सहयोग नहीं मिला, आपकी पार्टी ने इस मुद्दे को उतना बेहतर तरीके से नहीं उठाया, जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं, आज वो धरने पे बैठे थे, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या आप सहयोग करेंगे? देखिए, अभी जो है हाई कोर्ट में मैटर था, हाई कोर्ट का कल ही डिसीजन आया है, हम उन लोगों के साथ हैं, उनके साथ पूरा देंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और मैं कहना चाहूँगा
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर कि वो जितनी भर्ती हुई हैं सब भर्ती जो हैं कैंसिल हो गई हैं। ये भर्तियों में जानबूझ के जो है उनमें कमियां छोड़ते हैं, उनमें खामियां छोड़ते हैं, जिससे ना तो भर्ती हो और हम कह दें कि हाई कोर्ट ने और उसने कैंसिल। जब भाई कमी, जब भर्ती क्लियर होगी उसके अंदर कोई कमी नहीं होगी, सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी, तो हाई कोर्ट क्यों ख़त्म करेगा उसे? कमियाँ छोड़ना है, देना नहीं चाहते नौकरी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि तौकीर रजा ने साफ तौर पर कहा है कि इस देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, प्रधानमंत्री सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं लेकिन कुछ ही लोगों का विकास वो करते हैं, जबकि अल्पसंख्यक समाज मुसलमान समाज को दबाया जा रहा है। देखिए इस प्रदेश के अंदर ये मानता हूँ कि अल्पसंख्यक को दबाया जा रहा, ना सिर्फ अल्पसंख्यक इस प्रदेश के अंदर सबको दबाया जा रहा। देखिए कोई भी इनके खिलाफ कोई बोले सबके खिलाफ केस, ED, CBI मुकदमे सबके साथ हो रहे हैं, विपक्ष को दबाने की बात कर रहे हैं, हर उस आदमी को दबाने का काम कर रहे हैं जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहा, जो उनके खिलाफ वोट देने का काम कर रहा है, उसको दबा के और डंडा चला के वोट लेना चाहते हैं, ये इनका मकसद है। सबके साथ ये कर रहे हैं, अल्पसंख्यक के साथ कुछ ज़्यादा हो रहा है, मैं मान रहा हूँ उसको, ज़्यादती हो रही है हमारे साथ, और ये खाली हमारे साथ नहीं हो रहा। आप देखेंगे जहाँ पे ईसाइयों की आबादी ज़्यादा है उनके साथ हो रहा है, पंजाब का भी सरदार आंदोलन चला था किसानों का, उन्हें खालिस्तानी कह दिया, उन्हें भी दबाने का काम करा, वहाँ भी लाठी चलाने का काम करा, वहाँ भी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, तो ये तो सभी के साथ कर रहे हैं। इन्होंने तो अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी है, ये तो सबको ED का नोटिस भेजा, CBI को बुलाओ, अब लालू जी के खिलाफ दोबारा से कितने दिन पुराना मुद्दा उठाया, आज उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी। इस देश में एक और भी बात चल रही है, लगातार लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है, कुछ लोग इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो RLD क्या सोचती है इस? देखिए ये देश सबका देश है, इस देश के बहुसंख्यक समुदाय के लोग अभी सेकुलर हैं, ज़्यादातर बहुसंख्यक लोग चाहते हैं ये देश सेकुलर देश है, और भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा इस देश की जनता, इस देश का बहुसंख्यक कभी पूरा नहीं होने देगा, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये सब भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, ये पुराना हिंदुस्तान था, पुराना भारत था, ये वही रहेगा। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष खाली मसूद जी, उन्होंने बताया कि 2024 में जनता के सामने एक नया विकल्प होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनकर नहीं आएगी। वहीं उन्होंने अन्य मुद्दे में बातचीत करते हुए कहा कि ये सच है कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, इस देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, और सिर्फ मुसलमानों अल्पसंख्यकों की बात नहीं विपक्ष को भी दबाया जा रहा है, अगर विपक्ष आवाज उठाता है तो उसके पीछे SEBI और ED लगा दी जाती है। मैं विवेक शाही कैमरा प्रथम विजय के साथ Prime TV लखनऊ। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।